हाँ जी दोस्तों, स्वागत है तुहाडा सवेर दीआं मुख खबरां दे विच। आओ लड़ीवार गल करदे आं पंजाब ते दुनिया दीआं मुख वड्डीआं खबरां दी। वीडियो शुरू करन तों पहलां लाइक ते शेयर जरूर कर दिओ ते साडे नाल जुड़े रहण लई चैनल नूं सबसक्राइब कर लो। तां अज दी पहली वड्डी खबर है कैप्टन दा वड्डा ऐलान, वीकेंड करफ्यू दे विच दित्ती ढिल, नवें दिशा निर्देश कीते जारी। तां दोस्तों कोविड-19 महामारी दे दौरान शहरी खेतरां विच वधेरे राहत देण दे उद्देश दे नाल पंजाब सरकार ने पंजाब दे मुख मंत्री दे दिशा निर्देशां ते ऐलान कीता। उन्होंने 30/9/2020 तक राज दे सारे 167 म्यूनसिपल कस्बियां विच सिर्फ ऐतवार वाले दिन ही पूरा करफ्यू रहेगा अते शनिवार नूं दिने कोई करफ्यू नहीं लगेगा। अगली खबर है पंजाब दे विच करोना दी मार जारी, 71 लोकां ने गवाई जान ते 2137 नवें करोना दे केस। तां दोस्तों पंजाब दे विच करोना दा कहर फिर तो वधदा जा रहा है। अज करोना वायरस दे 2137 नवें केस सामने आए ने। सूबे दे विच करोना मरीजां दी गिनती 69,684 तक पुज गई है। तुहानू दस दईए कि अज करोना वायरस दे नाल 71 जणिआं दी मौत दी खबर भी सामने आई है, जिस तों बाद पंजाब विच मरन वालिआं दी कुल गिनती 2061 तक पुज गई है। अज 2137 नवें मरीजां दे विचों सब तो वध 319 मरीज मोहाली तो सामने आए ने। इस तो इलावा अमृतसर तो 311, लुधियाना तो 240, जलंधर तो 210, पटियाला तो 159, गुरदासपुर तो 173 ते बठिंडा दे विचों 130 नवें मरीज सामने आए ने। अज कुल 1231 मरीज सेहत याबी हुए ने। अगली खबर है विदेश तो पंजाब आउण वालिआं दे लई कैप्टन दा वड्डा ऐलान, क्वारंटीन पाबंदियां दे विच दित्ती ढिल। तां दोस्तों करोना वायरस काल दे दौरान विदेशों तो पंजाब दे विच दाखल होण वालिआं नूं पंजाब दी कैप्टन अमरिंदर सिंह दी सरकार ने वड्डी ढिल दित्ती है। पाबंदियां दे विच ढिल दिंदे हुए पंजाब दे मुख मंत्री ने ऐलान कीता कि 96 घंटे पुराने कोविड नैगेटिव सर्टिफिकेट लै के विदेशों तो पंजाब आउण वाले हुण होम क्वारंटीन लई जा सकदे ने। अगली खबर है पावन सरूपां दे लापता होण दे मामले दे विच होई कार्रवाई ते SGPC मैंबर ने चुके सवाल। तां दोस्तों श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी की साबका जनरल सकत्तर बीबी करनजोत कौर ने पावन सरूपां दे लापता होण दे मामले दे विच श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान भाई गोबिंद सिंह लौंगोवाल ते अंतरिम कमेटी उपर च वड्डे सवाल उठाए ने। उन्होंने मंग की है कि सिर्फ मुख सकत्तर जां होर अहुदेदार दे इस्तीफे नाल गल नहीं बननी। पावन सरूपां दे लापता होण दे मामले विच प्रधान लौंगोवाल अते अंतम कमेटी की जिम्मेवारी भी बनती है कि उन्होंने संगत सामने आ के मुद्दे का जवाब देना पवेगा। अगली खबर है कच्चे तेल दीआं कीमतां दे विच गिरावट, पेट्रोल अते डीजल सस्ते होण दी उम्मीद। तां दोस्तों अंतरराष्ट्रीय बाजार दे विच कच्चे तेल की कीमत हेठां आ गई है। इस प्रभाव के कारण हुण देश विच पेट्रोल अते डीजल दीआं कीमतां दे विच कमी आउण दी उम्मीद है। लंबे समय तो कच्चे तेल की कीमत हेठां आउंदी नज़र आ रही है, पर देश दे विच पेट्रोल अते डीजल की कीमत नूं उस अनुपात नाल घट नहीं किया जा रहा। हालांकि जे कच्चे तेल की कीमत दे विच गिरावट दा रुझान जारी रहा तां कुछ जल्दी ही तेल दीआं कीमतां विच भी कमी वेखण नूं मिल सकती है। अगली खबर है रिया की जमानत अर्जी दे सैशन कोर्ट दे विच कल होवेगी सुनवाई। तां दोस्तों ड्रग्स मामले दे विच रिया चक्करवर्ती की जमानत अर्जी ते सैशन कोर्ट दे विच सुनवाई कल होवेगी। उसके वकील सतीश मनसिंदे ने दस्सिया कि रिया तो इलावा उसके भरा सौविक चक्करवर्ती की जमानत अर्जी भी कल सुनवाई होवेगी। अज रिया चक्करवर्ती 14 दिनों की न्यायिक हिरासत के भाएखला जेल भेज दिता गया। रिया गिरफ्तारी NDPS एक्ट की धारा 16/20 के तहत हुई है। वह 22 सितंबर तक जेल के रहेगी। दसन योग है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की लंबी पूछगिछ तो बाद रिया नूं कल गिरफ़्तार किया गया। अगली खबर है देश दे विच 21 सितंबर तो स्कूल खोलन की तैयारी। तां दोस्तों देश दे विच हुण स्कूल खोलन की तैयारी की जा रही है। केंद्र सरकार ने इस बारे नवे दिशा निर्देश जारी कर दिते ने। सूत्रां दे मुताबिक 21 सितंबर तो स्कूल खोलने जा रहे ने। उंज स्कूल पूरी तरह नहीं खुलणगे, सिर्फ 9वीं तो लैके 12वीं जमात दे विद्यार्थी स्कूल आ जा सकणगे। स्कूलां विच क्लासां भी नहीं लगणगियां। हासिल जानकारी दे मुताबिक कोविड-19 अनलॉक दे अगले पड़ा तहत 21 सितंबर तो 9वीं तो लैके 12वीं जमात दे विद्यार्थियों लई स्कूल खोले जाणगे। सरकार वल्लों इस संबंधी जारी आदेश अनुसार इस दौरान विद्यार्थियों की सुरक्षा का ख्याल रखना जरूरी होवेगा।
अगली खबर है सरकारी स्कूलों के दाखलों के लिए बदले नियम। तो दोस्तों पंजाब के सरकारी स्कूलों में दाखले नियमों के तब्दीली की गई है। इस दे नाल विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिलेगी। पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड ने विद्यार्थियों की हित लई दाखला शर्तां नरम कीतियां ने। बोर्ड के सकत्तर वल्लों जिला सिक्ख्या अधिकारियों ते स्कूल मुखियों के लिए जारी पत्र दे विच स्पष्ट किया गया कि जे कोई विद्यार्थी प्राइवेट स्कूल तो सरकारी स्कूल दे विच दाखल हुंदा तो विद्यार्थी तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट लैण की कोई जरूरत नहीं होवेगी। अगली खबर है जाणो की कहिंदियां ने अज सोने चांदी दीआं कीमतां। तो दोस्तों सोने दियां चांदी दियां कीमतां दे विच कुछ नवीं नरमी देखण नूं मिली है। दस दईए कि अज फिर भारतीय बाजारां दे विच सोने ते चांदी दियां कीमतां दे विच गिरावट आई है। MCX ते सोने दा भाव 0.4% फिसल के 51,160 रुपए प्रति 10 ग्राम ते पहुँच गया जो 5 दिनां विच चौथी बार गिरावट देखण नूं मिली है। MCX ते चांदी दा वाधा 0.75% गिरावट दे नाल 67,970 रुपए प्रति किलोग्राम से आ गया। अगली खबर है 10 सितंबर को रस्मी तौर पर भारतीय हवाई फौज के शामिल हो जाएगा राफेल। अंबाला दे विच होवेगा समागम। तो दोस्तों राफेल लड़ाकू जहाज़ा 10 सितंबर को भारतीय हवाई फौज वालों अंबाला एयर सेव विखे अपने विच रस्मी तौर पर शामिल किया जाएगा। यह जहाज़ हवाई फौज के 17 स्क्वाडन के हिस्सा होगा जिसनू गोल्डन एरोज़ वालों जाणिया जांदा है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ते फ्रांस के हथियारबंद सेनावां दे मंत्री फ्लोरेंस पारली मुख मेहमान वजों शिरकत करनगे। पहले 5 राफेल जहाज़ 27 जुलाई को फ्रांस तो अंबाला पुजे सन। राफेल नू हवाई फौज में शामिल करन वेले रवायती सर्वधर्म पूजा होवेगी अते इन्हां जहाज़ां नू जल तोपां नाल सलामी दित्ती जाएगी। अगली खबर है देश दे विच करोना दे 99,700 नवें मामले। कुल गिनती 44,00,000 के नेड़े पुजी। तो दोस्तों देश के विच कोविड 19 के 99,706 नवे मामले सामने आने तो बाद अज देश दे विच करोना मरीजों की गिनती 43,70,128 तक पुज गई है। अज सवेरे ताज़ा अंकड़ों के अनुसार केंद्रीय सेहत मंत्रालय वालों देश दे विच करोना वायरस नाल पिछले 24 घंटों दौरान 1,111 होर लोगों की मौत तो बाद मरन वाले की कुल गिनती 73,890 हो गई है। अगली खबर है सरकारी काम करवाउण तो पहला हुण करवाउणा पवेगा करोना टैसट। तो दोस्तों तुहानू दस दिए कि सरकारी दफ्तरां दे विच काम करवाउण आउण तो पहला करोना टैसट करवाउणा लाजमी कर दिता गया। डिप्टी कमिश्नर दफ्तर कंपलैक्स अंदर अपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाउण अते नवे आउण लई आए लोगों नू अज उस वेले खजल खुआरी झलनी पई जदों उन्हां नू लाइनां दे विच खड़े होण तो बाद पता लग्या कि सब तो पहला करोना का टैसट करवाउणा पवेगा। अगली खबर है चंडीगढ़ दे विच करोना का कहर। 332 नवे केस ते 2 जाणियां दी मौत। तो दोस्तों अज तुहानू दस दिए कि चंडीगढ़ दे विच 332 होर व्यक्तियों नू करोना वायरस की पुष्टि होने की खबर आई है। इस वायरस नाल पीड़ित 2 मरीजों की मौत भी हुई है। तुहानू दस दिए कि चंडीगढ़ दे विच 180 मरीजों नू अज डिस्चार्ज भी किया गया। दसणयोग गल है कि चंडीगढ़ विच करोना मरीजों की कुल गिनती 6,704 तक पुज गई है ते हुण तक 4,140 मरीज सेहत याब भी हो चुके ने ते करोना दे कारण चंडीगढ़ दे विच 77 मौतां हुण तक हो चुकियां ने। अगली खबर है फीसां जमा ना करवाउण वालियां नू नहीं मिलणगे रोल नंबर। तो दोस्तों पंजाब यूनीवर्सिटी वालों UG अते PG कोर्सां दे लई 17 सितंबर तो शुरू हो रही ऑनलाइन प्रीख्यावां तो पहला संबंधित विभागों कॉलेजों ते रीजनल सेंटरों तो उन्हां विद्यार्थियों के वेरवे मंगे हैं जिन्होंने अजे तक फीसां जमा नहीं करवाईयां। तुहानूं दस दईए कि यूनीवर्सिटी वालों कहा गया कि विभागों कॉलेजों के मुखियों ते रीजनल सेंटरों वालों कि जिहड़े विद्यार्थियों ने अजे तक फीसां जमा नहीं करवाईयां उन्होंने वेरवे भेजे जाण। फीसां जमा ना करवाउण वाले विद्यार्थियों के रोल नंबर यूनीवर्सिटी वालों एक्टिवेट नहीं किए जाएंगे। अगली खबर है जैफ बेजोस सब तो दौलतमंद अमरीकी बने। तो दोस्तों फॉर्बस वालों जारी की गई सब तो दौलतमंद अमरीकियों की सूची के एमाजॉन के मुख्य कार्यकारी जैफ पहले स्थान पर हैं जबकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का स्थान काफ़ी हेठां चला गया। जूम वीडियो कम्युनिकेशन के CEO एरिक जुआन उन्हां 18वें नवे अमीरों के शामिल हैं जिन्हां की कुल पूंजी $11 अरब है। इस सूची के ट्रंप की रैकिंग 275वें स्थान तो डिग के 352वें स्थान पर पहुँच गई है।
क्योंकि उन्होंने कुल दौलत 3.1 अरब डॉलर तो घट के 2.5 अरब डॉलर रह गई है। अगली खबर है PM किसान योजना के 110 करोड़ का घोटाला, 80 अधिकारी बर्खास्त, 34 मुअत्तल। तां दोस्तों मोदी सरकार की सब तो वड्डी स्कीम दे विच घोटाला सामने आया। PM किसान सन्मान निधि योजना का कुछ अजिहे लोग भी फायदा चुक रहे हैं जो इस स्कीम के दायरे विच आउंदे ही नहीं। तमिलनाडु सरकार के प्रधानमंत्री किसान योजना के 110 करोड़ रुपए तो वध दे वड्डे घोटाले का खुलासा किया है। दस दिए कि जांच तो पता लगे कि धोखाधड़ी करके 110 करोड़ रुपए तो वध दीआं अदायगियां ऑनलाइन लईआं गईआं ने। इंडियन एक्सप्रैस की रिपोर्ट के अनुसार फिलहाल इस मामले के 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अगली खबर है नौकरी करने वालों के लिए खुशखबरी, EPF ते मिलता रहेगा 8.5% ब्याज। तो दोस्तों तुहानू दस दिए कि EPFO दे बैठक दे विच वित्ती साल 2019-20 दे लई ब्याज दरां दा फैसला किया गया है। साल 2019-20 इंपलाइज़ प्रोविडेंट फंड दे उत्ते 8.5% ब्याज निर्धारित किया गया है, पर इस वेले EPFO वल्लों सिर्फ 8.15% ब्याज दिता जाएगा, बाकी 0.35% ब्याज दिसंबर दे विच अदा किया जाएगा। ते दोस्तों ए सी अज सवेर दीआं मुख ते ताज़ा खबरां, तुसी वीडियो नूं अपने दोस्तां मित्रां नाल अग्गे शेयर जरूर कर दिया करो ते साडे नाल जुड़े रहने लई चैनल नूं सबसक्राइब कर लो ते नाल बने बैल नूं भी दबा दिओ जिस नाल तुहानूं इसे तरह दीआं आउण वालीआं नवीआं ते ताज़ा खबरां दा सब तों पहलां पता लगदा रहूगा। तो इस वीडियो दे विच इन्ना ही, मिलदे आं किसे नैक्सट वीडियो दे विच, तद तक लई धन्नवाद।